नेचुरल सोर्सेज, वहाँ से अपने को पानी मिल जाता है। और किसी बंदे ने ना अच्छे से इसमें बॉटल लगाया है, जिससे ना इजीली यहाँ पे पानी आ जाए। और अभी नीचे वाला पेड़ भी है, ये वाला ना, हाँ सूखा भी है, बहुत बढ़िया। तो आज हम पहली बार ये जो बारबेक्यू है इसे ओपन कर रहे हैं। वाओ, आज पता नहीं क्यों टेंट में सोने में रिस्क लग रहा है, ऐसी आहटें हो रही है एकदम से, मतलब चौकन्ना होना पड़ रहा है, कभी इधर से कभी इधर से। हे गाइज, वेलकम बैक टू ए अनदर वीडियो। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं डियो कैंपिंग के लिए, मैं और अंकू भाई। तो अंकू भाई और मैं अभी आए हैं पानी भरने के लिए। ये रास्ता है, यहीं से ही जा रहे हैं अपने कैंप साइट की तरफ, और रास्ते में ही हमें पानी मिल गया। देखो यहाँ पे प्राकृतिक सोर्स होता है ना, जो नेचुरल सोर्सेज, वहाँ से अपने को पानी मिल जाता है। और किसी बंदे ने ना अच्छे से इसमें बॉटल लगाया है, जिससे ना ईजिली यहाँ पे पानी आ जाए। तो है आजकल ठंडा भी होगा। तो गाइज, फाइनली हम आ गए हैं अपनी लोकेशन में, और टाइम से पहले, और टाइम से पहले ही आ गए भाई, अंकु भाई और मैं टाइम से पहले ही आ गए हैं। तो अब पहले टेंट पिच कर लेते हैं क्या? हाँ, कर लेते हैं। सनसेट के साथ, सनसेट के साथ मजा आ जाएगा, क्योंकि हम बनाएंगे इंस्टेंट कॉफ़ी, आजकल इंस्टेंट कॉफ़ी रख रहे हैं हम। तो पहले अच्छी सी एक लोकेशन यहाँ पे देख के, जहाँ पे अपना अच्छे से टेंट पिच कर सकते हैं, तो फटाफट से टेंट लगा लेते हैं ना अंकु भाई। चलो, तो पहले जो अपनी लोकेशन है ना, उसे साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर लकड़ियां वगैरह चुभेंगे हमें रात को सोते टाइम। तो फाइनली अपना यहाँ पे टेंट पिच हो गया है, और सनसेट भी होने को है। तो हम जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि लकड़ियाँ आसपास मिलेंगी, और अभी उजाला है, क्योंकि रात को आपको पता है लेपर्ड वगैरह का खतरा है और भी चीज़ों का खतरा है। तो पहले हम ले आते हैं लकड़ियाँ, तब तक क्यों को भाई, हाँ ले आते हैं ना लकड़ियाँ। और बाकी टेंट तो अपना अच्छे से पिच हो गया है, तो इसको बंद ही है टेंट अपना, इसको इसी हाल में छोड़ते हैं और पहले लकड़ियाँ। तो भाई सनसेट होने को है और अंकुर भाई ने दौड़ लगाई है, ये सड़ा हुआ है। वाह, बहुत बढ़िया सड़ा है यार ये, बढ़िया। और अभी नीचे वाला पेड़ भी है, ये वाला ना, हाँ सूखा भी है, और काटते हैं इसको। हेलो गाइस, आज का वीडियो एक ट्रस्टेड बेटिंग वेबसाइट 1xbet द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप 1x पर बहुत सारे पॉपुलर गेम्स और लाइव कैसिनोस खेल सकते हैं, और साथ आप स्पोर्ट्स मैचेस पर प्रिडिक्शन करके भी अर्न कर सकते हैं। 1x की सबसे अच्छी बात यह है, आप इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल आसानी से पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के थ्रू कर सकते हैं, और साथ ही आपको इसमें 24/7 लाइव सपोर्ट भी मिलेगा, और आप यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट्स जैसे आईफोन, कार्स और भी बहुत सारी चीजें जीत सकते हो। तो गाइज, अभी जाओ, मैंने कमेंट्स में लिंक पिन किया है, वहां जाके रजिस्टर करो या स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करो। फर्स्ट डिपॉजिट पर 42,900 रुपए तक का बड़ा बोनस प्राप्त करने के लिए मेरा प्रोमो कोड ट्रिपसेंस यूज करना मत भूलना। लेट्स 1x। मैं थक गया, अब अंकुर भाई करेंगे इसे। टाइट हो गया है,
टैटू हो गई वो। बहुत बढ़िया। टूट गया। तो भाई इतनी लकड़ियां आ चुकी है, जमा हो चुकी है, और ये रहा अपना टेंट। फट भी रहा है, टुकड़े ज्यादा हो रहे हैं, छोटे छोटे। मैं क्या करता हूँ, अंदर की सेटिंग कर लेता हूँ, जितना भी जैसे मैटिंग वगैरह बिछानी होती है ना, तो वो बिछा लेता हूँ मैं। आज मौसम का क्या कह रहे हो, बारिश आएगी? बारिश का तो नहीं लग रहा भाई। करते ना बारबेक्यू सेटअप करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पहले कैंप फायर कर लेते हैं। अपने पास यार गैजेट्स होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम पहली बार ये जो बारबेक्यू है इसे ओपन कर रहे हैं। मैंने पोल डाला हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग भाई लोगों ने बताया यार कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से ही मैंने ये बारबेक्यू लिया है, ये इसके ऊपर। तो अंकुर भाई ने बोला पहले कॉफ़ी पीते हैं भाई, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। टाइम भी हो गया, टाइम भी हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी पहले आ गए थे और लकड़ियाँ ढूंढने में, थोड़ा सा इधर उधर एक्सप्लोर करने में ही टाइम निकल गया, और अभी अंधेरा भी हो चुका है। तो अपनी यहाँ पे कॉफ़ी बन रही है, तो साथ में यार अंकुर भाई कैंप फायर जला ही लेते हैं यार, क्योंकि मेरे को कुछ यहाँ पे ठीक सा नहीं लग रहा है, और अंधेरा भी हो गया है। पीछे साइड से तो हमको बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, हल्का यहाँ पे फॉग भी आ गया है। बाकी कैंप फायर भी जला लेते हैं। काफी जला रहे हो यहीं पे, इसके ऊपर यहाँ पे लगा रहे लगाने पे लगाओ, इसीलिए तो मैंने रखा, क्योंकि जमीन गीली है ना। जो लकड़ियाँ थोड़ा गीली है ना, उनको ऐसे किनारे से लगा दो, सूख जाएंगी वो। तो भाई अपनी कैंप फायर भी यहाँ पे अच्छे से जल चुकी है, और अब बारी है जो कॉफ़ी है उसके लिए। पानी अपना बॉईल हो चुका है यहाँ पे, तो इंस्टेंट कॉफ़ी को डालते हैं ग्लास में। इसमें सिर्फ पानी मिलाना है और घोलना है इसे भाई, बाकी इन दोनों को रखते हैं पॉकेट में। वाव, मजा आ रहा भाई। हाँ, इसका कलर वैसे इतना डार्क होता नहीं है, थोड़ा लाइट होता है, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त होता है ना। तो साथ के साथ यहाँ पे मुआयना भी हो रहा है भाई, क्योंकि ये लेपर्ड टेरिटरी है, और भाई यहाँ पे लेपर्ड बहुत ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो हमें लेपर्ड तो दिखते ही दिखते हैं। टेस्ट करके बताओ भाई कैसा हो रहा है। इंस्टेंट कॉफी का स्वाद ही अलग है यार भाई।
बहुत ज़बरदस्त आता है। बाकी अपने यहाँ पे कैंप फायर जल रही भाई मस्त तरीके से, क्योंकि आज हमको लकड़ियाँ मिल गई थी ना इजीली, छोटी बड़ी लकड़ियाँ मिल गई थी। और बाकी ठंड भी यहाँ पे हो रही है, अब पता नहीं रात तक कितनी ठंड होती है यहाँ पे। बाकी अपने पास वैसे तो ऑल सारी चीज़ें हैं, और आज हम जो खाना बनाएंगे भाई, अपना जो डिनर होगा वो होगा इस बारबेक्यू में। और ये बारबेक्यू का सेटअप आप तो अच्छे से जानते ही हो, क्योंकि आपके ही पोल के हिसाब से मैंने ये लिया है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माइंड मत करो, ऐसी चीज़ें होती रहती है, क्योंकि जंगल में यार आवाज़ें आती रहती है भाई, कभी भी कुछ भी कैसी भी आवाज़ें आ सकती है। बाकी सचेत रहना है हमें। बाकी आप क्या करते हैं ना, जो अभी आज का जो डिनर है ना वो उसकी प्रिपेयरिंग करते हैं ना, ठीक है। वेजेस वगैरह निकालते हैं। उससे पहले ना इसमें अभी जैसे कोयले होंगे तो बारबेक्यू में सारे कोयले रखने हैं, ठीक है। बाकी सारे वेजेस अपनी धोनी है पहले, शिमला मिर्च और ये जो मिर्चें हैं इन्हें वॉश करना है अच्छे से गर्म पानी में, इससे गर्म पानी। अरे हाँ यार क्या बात है भाई, इसको कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत सही है। कैंप फायर सही से जला लो यार, क्योंकि ये हमें भाई रात भर चाहिए। इस साइड से ज्यादा डर लग रही है ना, इस साइड को है अंधेरा है ना ज्यादा इस साइड को, और इस साइड से तो हमारे पीछे से तो गाड़ी है, तो गाड़ी की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बैगन को ना इसको तो काटना ही पड़ेगा, हमें धो लिया है हमने अच्छे से। तो मोटा मोटा ही काटते हैं, ठीक है। साथ में आ गया चिकन, इसमें हल्का कट मार देते हैं, साफ है वैसे। इसको हम रख देंगे आग में, पहले इसमें लाल मिर्च डालते हैं, इसमें डालते हैं हल्दी, इन मसाला बताओ कौन सा है, चिकन गरम मसाला, जीरा मसाला, सब है इसमें, सब मिक्स मिक्स, थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं, चिकन मसाला ये ज़्यादा आएगा ना भाई, इसीलिए सारे मसाले कम डाले, नमक। अब भाई मेन तो अब आएगा जिसके बाद लगेगा, जो है दही, ज़्यादा नहीं भाई, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे ना फिर पानी ज़्यादा छोड़ने लग जाएगा। तो फिर से हाथ धो लिए, हाथ धोने के बाद अब इसे मिक्स करते हैं, और कुछ छूटा तो नहीं इसमें, क्या लगता है तुम्हें भाई? ये है ना मैरिन, इसको मैरिनेट करके आधा घंटा छोड़ना पड़ेगा हमें, हाँ तब तक हम ये सेटअप कर लेंगे अपने बारबेक्यू को। एक चीज़ तो रह गया, क्या चीज़? गार्लिक पेस्ट, वो नहीं डाला हमने इसमें, चलो कोई नहीं वो चावल में डाल लेंगे। अब इसमें डाल लेते हैं कोयले,
बारबेक्यू के लिए भी हमने इसमें कोयले डाल दिए हैं, जो अपनी कैंप फायर थी ना उसमें से कोयले इसमें डाल दिए हैं। बन गई क्या? तो राइस भी अपने बन गए हैं। इसको करते हैं अब यहाँ पे, बढ़िया आँच मिल रही है। तो जो अपने बैगन है ना इन्हें लगाते हैं साइड से। तो भाई ये अपने बारबेक्यू, बाकी बटर लगा लेते हैं इनमें। तो भाई अब बनेगा फ्राइड राइस। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालेंगे इसमें। आज भी इधर उधर भाग रही है यार फ्लेम ना, इधर उधर भाग रही है हवा की वजह से। बाकी अपने यार ओए होए चिकन वगैरह देखो यार भाई, और ये साथ में बैगन देखो क्या मस्त क्रिस्पी हो रखे है। नमक मिलाने से ना मज़ा ही आ जाएगा। खुशबू मस्त आ गई ना? खुशबू तो आएगी भाई, मसाले बहुत ज़बरदस्त है ना ये वाले, इसमें किचन किंग वगैरह सब कुछ है। गाइस फाइनली यहाँ पे अपने बारबेक्यू जो चिकन था वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है, और साथ में अपना फ्राइड राइस भी बन चुका है। यहाँ पे खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है। बाकी अंकुर भाई रहा नहीं जा रहा। तो आप क्या करते हैं, फटाफट से प्लेटिंग करते हैं इसको, ठीक है? तो भाई ये आ गया फ्राइड राइस। अब रखते हैं इसमें सैलेड। तो भाई इसमें डालते हैं ये, नींबू डालने से ना आए हाय क्या खटास आएगी इस पे जबरदस्त वाली। तो भाई ये आ गया भाई का लेग पीस, भाई का नहीं मतलब। तो पहले टेस्ट करते हैं अपना नहीं चिकन नेक पीस। भाई मजा आ गया, जबरदस्त जबरदस्त रोस्ट हुआ है यार। बैगन वगैरह भी देखते हैं। ओए होए मिर्ची का टेस्ट इतना जबरदस्त आ रहा ना, रोस्टेड मिर्च है, मजा आ गया। और आप टेस्ट कर लेते हैं फ्राइड राइस भी साथ में। जबरदस्त मजा आ गया। जो अपने ये चीड़ के पेड़ होते हैं ना तो इनके कोयले बनते नहीं है, हमने जितने बार बारबेक्यू के अंदर कोयले डाले वो भी बुझ गए। तो इसके लिए जो ऑल लड़की
इसके लिए जो और लकड़ियाँ होती है ना उनके कोयले जो होते हैं वो परफेक्ट रहते हैं। तो अगली बार से इसके लिए स्पेसिफिक हम कोयले लेके आएंगे, तो उसी में ही अपना बारबेक्यू होगा। क्यों बहुत जल्दी हो जाते थे, बुझ जाते ये वाले चीड़ के पेड़ के ऐसे होते हैं ना, एकदम जलते एकदम राख हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसको डायरेक्ट रख दिया नीचे के कैप उतार के। आज पता नहीं क्यों टेंट में सोने में रिस्क लग रहा है यार मेरे को, पता नहीं क्यों ऐसी आहटें हो रही है एकदम से, मतलब चौकन्ना होना पड़ रहा है, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, ऐसा लग रहा है कि कोई है आस पास ना। पता नहीं क्यों आज दिल घबरा रहा है, मतलब सच बताऊं तो मतलब नींद नहीं आने वाली भाई। खाना तो हम पेट भर के खा रहे हैं लेकिन नींद नहीं आने वाली। आज भी कहानी सुनाएंगे ना भाई। तो इस साइड से दी ना, तो यार पता नहीं आवाज आ रही है अलग अलग टाइप की। तो फटाफट से खाना खा लेते हैं हम और इसके बाद सीधे टेंट में घुसते हैं भाई। हम फटाफट से पैकिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों जितना भी अपना सामान है हमने अभी ऐसे ही समेटा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बर्तन वगैरह भी नहीं धोए हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सी आवाज़ें आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, टेंट के अंदर जा रहे हैं और बाहर रहना ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि अजीब सा माहौल है यार आज का, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप घुसते हैं टेंट के अंदर। नज़दीक है भाई, कैंप फायर भी जल्दी है बाहर से और लकड़ियाँ आज हमारे पास बहुत थी तो कैंप फायर हमने जला दी है। मुझे लगता है वो कि सिर्फ कैंप फायर के वजह से हमारे पास अभी तक नहीं आया है। बाकी क्या है ना कि अभी तो हम अपने टेंट में आ गए हैं, फटाफट से भाई इसको क्लोज करते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, टेंट के अंदर ही सेफ्टी है, बाकी सेफ्टी वेपन यहीं पर है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ बात होती है तो मैं कैमरा अपने साथ अंदर ही रखूँगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसको टेंट को फटाफट से बंद करते हैं यार। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह। तो यार सभी को गुड नाइट, हमारी तो आज बेड नाइट हो गई है और पता नहीं अभी रात को क्या होगा क्योंकि अभी से ही अजीब होने शुरू हो गया है। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह।
ठंडा तो हो गया यार, पाला नहीं पड़ा ना आज। पड़ा है यार पाला। यहाँ पेड़ों पे नहीं पड़ता। ठंडा भी हो रहा है यार बाहर, स्लीपिंग बैग से निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी सुबह के 7:30 हो चुके हैं और हम दोनों उठ चुके हैं, लेकिन बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्योंकि ठंडा बहुत है। अभी मॉर्निंग कॉफी की जरूरत है यार, बनाए क्या? हाँ। भाई कॉफी वॉफी बनाते हैं, फिर घर भी जाना है, तो सामान भी कल हमने वॉश भी नहीं किया अच्छे से, सॉरी जो बर्तन वगैरह है ना वो हमने धोए भी नहीं, ऐसे ही रख दिए यहाँ पे, तो वो भी अच्छे से सेट करने हैं, तो आज काफ़ी टाइम भी लगेगा। तो फटाफट से ऐसा करते हैं, पहले कॉफ़ी वगैरह बना लेते हैं और आराम से जाएंगे यार घर को ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंदर ही रहो, आप अंदर का सामान पैक करो, मैं बनाता हूँ कॉफ़ी। ठीक है, पानी तो गर्म करना है। हाँ हाँ, पानी थोड़ा ज्यादा ही रख रहा हूँ। क्यों? फिर धोने के काम आएंगे थोड़ा सा। तो गाइस फाइनली अपनी यहाँ पे कॉफी खत्म हो गई है, और भाई हाथ ठंडे से बहुत ज्यादा जाम हो गए हैं भाई, मतलब काम नहीं कर रहे हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि कैमरे में भी बैटरी बहुत ज़्यादा कम है और हमने सिर्फ इसको पैक करना है और पैक करके घर जाना है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और भाई जा रहे हैं घर सोने यार क्योंकि नींद आई नहीं है हमें पूरी तरह से, रात भर जागते रहे। और फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, मे बी नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप कॉमेंट में ज़रूर बताना, सजेस्ट ज़रूर करना कि किस तरह की कैंपिंग करनी चाहिए। और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।